आइसक्रीम बेचती, ये क्या आपका सोल्यूशन? ओ हो मेरे भोले कबूतर, जब मुझ हाथ डाल के तो देख कि तेरी नानी ने तेरे लिए क्या भेजा है। एक मिनट नानी। नानी, इस कॉइन का क्या करूं मैं? करण पुत्र, हुन तूने कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है ना इसी ने करना है। आई गल समझ? हुन मेरी गल ध्यान नाल सुन। मैं जी, ये जी कौन है? सत्रीकाल जी। सत्रीकाल। सुना है गिल मेंशन की जड़े ही लाके आई है। वैसे गीता, तेरे पैसे अंदर तैयार है, जा ले ले। जी। मिल गया सबूत। सबूत? मैं कुछ समझा नहीं। सरबजी जी, जब उस दिन आपने गीता को घर से जाने को कहा था, तो मैंने इस घिनौनी हरकत के बाद तुम्हें सैलरी दो क्या? एक फूटी कौड़ी देने का मन नहीं है मुझे, लेकिन ये इस घर का रिवाज है। ना तो हम किसी का हक मारते हैं और ना ही उन्हें खाली हाथ भेजते हैं। मतलब आपने शहर वाली घड़ी गीता को दे दी थी? जी, कल से तो ये घड़ी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल गीता उस इंसान के पास जरूर जाएगी जो उसे अपने इशारों पर नचा रहा है, और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन मैं जी, सबूत अभी भी अधूरा है, क्योंकि उस वीडियो में ताई जी पूल में बारिश डाल रही थी। मैं जी, आप ऐसा कीजिए, सर्वेंट रूम्स के कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। करण पुत्र, शाबाश, तेरे को मेरी बात समझ आ गई ना? चलो वेरी गुड, चल बाय। हुन सत श्री अकाल सरपंच जी। ओहो गीता, ओ तूने तो मेरे को खुश कर दिया। ओ तेरे जैसे सिपाही हो तो कुलवंत कौर की बादशाही पक्की। क्या बात है सरब, जो तूने हमें? तार जी, ए वेखो, ये गीता के रूम की सीसीटीवी फुटेज है। पहले गीता के रूम में एक औरत घुसी, और फिर गीता ठीक वैसा ही सूट लेकर जैसा उस दिन ताई जी ने पहना हुआ था। दाजी, चाल तो बहुत अच्छी चली गीता ने, लेकिन एक गलती कर गई। दाजी, उस वीडियो में छाते वाली औरत ताई जी थी ही नहीं, बल्कि ताई जी की कद की एक औरत यहां भेजी गई थी, जिसने गीता की मदद से वो चाल चली। लेकिन इसे भेजा किसने? मेरी मम्मी जी ने। सरदार जी, आप तो मेरा यकीन कर लो, मैंने कोई गलत कार नहीं की। मुझे मेरे बाबा जी की जमुनियों त्वाटी सो, मैंने मेरे बच्चे दी सो। सर, तू सोच भी कैसे सकता कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? सर, अब मेरी गल का यकीन कर, ये सब झूठ है, ये गीता झूठ बोल रही है। देखा दाजी, ताई जी ने ये सब कुछ नहीं किया था। ताई जी बेकसूर है, निर्दोष है वो। मैंने कहा था ना आपको, इतना तो मैं जानती हूँ अपने परिवार को। प्लीज दाजी, तुझे ताई जी नो वापस बुला लो। प्लीज दाजी। और रही बात इसकी,
तो इसका खेल तो मैंने आज खत्म कर ही देना। वो तो रुक, वो तेरा इनाम लेके आती हूँ मैं। आह, वो बड़ा भारी है, आ ले। जी वाह, वो बड़ी सोनी कड़ी पाई है, कहीं मेरी कुड़ी के घर से तो नहीं चुराई? वंडरफुल जी, वंडरफुल। दादी, की है? कांड हो गया, भागो, पुलिस आ गई है। पुलिस? पुलिस क्यों आ गई है भाई? गीता, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस बल पे गिरफ्तार किया जाता है? दस मेनू। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई अरेस्ट वारंट। मैंने कुछ नहीं किया है, बेगुनाह हूं मैं। हाँ, अपनी बेगुनाही की गुनगाने की कोई जरूरत नहीं है गीता। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास, सारा सच पता चल चुका है। अब भी कह रही हमारी गवाह बन जाओ? कैदी बनने से तो बेहतर है। बता दो असली गुनहगार का नाम। बोल दो कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके पीछे अटारी की सरपंच कुलवंत कौर ढिल्लो थी। मेर पुत्तरे, ससरीकाल पुत्तरे। पुत्तरे, क्या गीता तुम्हारे यहाँ काम करती है? ओए, क्या कांड करके आई है मेरी कुड़ी के घर? सस मेरे को। मेर तू ये क्या कह रही है? पुत्तर, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो पुत्तर, तूने इतने दिनों के बाद मेरे को फोन किया और फोन करते ही सीधा सीधा अपनी मम्मी पे इल्जाम लगा देती। ज्यादा भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मामला साफ हो चुका है, सब पता चल चुका है मुझे। आपने ही गीता को यहाँ भेजा था। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो आपकी और गीता की मिली भगत थी। मेरे घर में चोरी छिपे जो कुछ भी हो रहा था सब पता चल चुका है मुझे मम्मी जी। गीता, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, असली मुजरिम का नाम बता दो और हमारी गवाह बन जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वरना तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। गीता बोलो, जवाब दो, क्या ये सब तुमने कुलवंत कौर ढिल्लो के कहने पर किया था? गीता, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ ये सब तुमने कुलवंत कौर ढिल्लो के कहने पर किया था ना? इससे पहले ये कुछ उगलते मुझे इसे और लालच देना होगा। 1,00,000। गीता जवाब दो। मेहर मैम, आपके घर पे अब तक जो भी होते हुए आया है ना, चाहे वो झूले की रस्सी का कटना हो या फिर बिजली की वायर पूल में डालना हो, वो सब क्या? बोलो गीता। हाँ गीता, बताओ वो सब क्या, किससे किया था वो सब? 2,00,000। तीन लाख। चार लाख ने पूरे 5,00,000। बोलो गीता, किसके इशारे पे किया था तुमने ये सब?
वो सब? हाँ गीता बोलो। वो सब, वो सब कुछ मैंने किया है, अकेले अपनी मर्जी से। उसमें सरपंच जी का कोई हाथ नहीं है। ओ सुन लिया मेहर पुत्र, ओ हो गई तसल्ली। ओ आइंदा अपनी मम्मी जी पे ऐसा इल्जाम मत लगाना। अगर मेरे को कुछ करना ही था तो मैं बड़ा कांड करती, ये क्यों करती? और तेरे घर पे एक माई फिट करके मेरे को क्या मिलना है? दस तो मेरे को। चल अभी ये सब गल्ला छड़, अब मुझे ये बता तूने बरसी की तैयारियां कर ली हैं? बस मैं तैयार होके आने ही वाली थी तेरे पास। यहाँ आने की सोचना भी मत, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा। रुट जानी है। ओ ए तू की कित्ता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ वो मेरी कुड़ी का घर है, मेरे ज्वाई जी का घर है। खबरदार आइंदा उधर कुछ कांड किया तो आई कल समझ, वरना वरना मैंने तेरा हाथ मरोड़ देना है। आई कल समझ, ले जाओ इसको गिरफ्तार कर ले से। वाह जी वाह, बलवंत कौर को ही वंडरफुल जी वंडरफुल। सरब जी जी, मम्मी जी ने यहां गीता को सिर्फ झूली की रस्सी को काटने के लिए या लाइव वायर को पूल में डालने के लिए नहीं भेजा था। मम्मी जी गीता के थ्रू किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती थी। क्या मतलब? सरब जी जी, करण के कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गई थी ये गीता। करण, कर पुत्र, करण, करण। सरब जी जी, करण घर पे नहीं है। दिखाइए। करण घर से बाहर है? ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अब गाड़ी निकालिए। चलिए। हेलो मम्मा, मम्मा विजय पता नहीं कहाँ चले गए। व्हाट? परम स्कूल में नहीं है? लेकिन लेकिन सर पुत्र, परम की लोकेशन तो बिल्कुल आपके साथ में है, वहीं पे दिखा रही है। विजय की वॉच उनके टेस्ट में पड़ी थी, वो अपने वॉच डाल के भाग गए मम्मा। सर पुत्र डोंट वरी, मम्मा वहीं आ रही। सरब जी जी, आप करण को ढूंढिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ जी, जल्दी कीजिए। सर पुत्र, मेरी प्रिंसिपल मैम से बात कराओ। हेलो मैम, लास्ट टाइम परम को किसी ने देखा था? किसी टीचर ने, किसी फ्रेंड ने, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने? मैम, मैम ये परम का फ्रेंड है, लास्ट पीरियड में ये परम के साथ ही था, कुछ कहना चाहता है आपसे। या टू मिनट्स मैम, परम जाने से पहले एक मैप स्टडी कर रहा था, बोल रहा था कि उसे शाम होने से पहले मलंग पहाड़ी पहुंचना है। मलंग पहाड़ी तो सुसाइड पॉइंट है, परम इतनी खतरनाक जगह क्यों जाना चाहेगा?
अभी तो बहुत दूर तक जाना है। ओ परम पुत्र, तेरी विश बड़ी है ना, तो तेरे को ये सिक्का बहुत ऊंचाई से फेंकना होगा। नक्शा देख और पहुंच जा मलंग पहाड़ के उत्ते। मम्मा, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं विश मांग के रहूंगा। आज मैं मेहर मम्मा का सारा प्यार मांग लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और मेहर मम्मा सिर्फ मुझसे प्यार करेंगी, उस करण से नहीं। जीपीएस ट्रैकर तो बता रहा है कि करण वो सामने वाली गाड़ी में। गाड़ी रोक रोक। आईपैड यही लोकेशन बता रहा है, मतलब करण इसी टेम्पो में है। करण, करण, कर नानी भी कितनी स्मार्ट है ना। थैंक यू नानी। करण पुत्र छेती कर, वो मेहर मम्मा आती होगी। मेरी बात ध्यान से सुन, वो तेरे सामने दो बैना खड़िया ने, वो पहली वैन के ड्रम के अंदर तू अपनी घड़ी डाल दे, ते दूसरे वैन के ड्रम के अंदर तू खुद छुप जा, ताकि सरबजीत और मेहर मम्मा घड़ी के ट्रैकर से तेरे को ढूंढ ना पाए। फिर क्या करी तू, वो जहाँ पे ट्रैफिक ट्रूफिक होए ना, ते गड्डी रुके तू छलांग मार के उतर जाना और नक्शा देख के मलंग पहाड़ी पे पहुंच जाना। अंकल, मलंग पहाड़ी जाने का रास्ता कहाँ से है? वहां से, लेकिन पुत्र जी अकेले मत जाना, बड़ी खतरनाक जगह है। अरे ओ पुत्र जी, अरे वहां से मत जाना। अंधेरा होने से पहले मुझे वहां तक पहुंच नहीं होगा। जैसे जैसे करके आज क्या मुझे विश मांगनी है। क्या करे, मैं अभी उनका पीछा करता हूँ। करे यहाँ जी मैडम, दो बच्चे थे, एक स्कूल ड्रेस में था और एक भूरे रंग की टी शर्ट में था, और थोड़ी देर पहले एक बच्ची भी उसी तरफ गई है। उधर? हाँ, उस तरफ। सच सच बता, मेरा बच्चा करण कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। सर मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे नहीं बताएगा।
सर मुझे कुछ मालूम ही नहीं। हेलो महर जी। सरबजीत जी आप प्लीज प्लीज यहाँ मलंग पहाड़ी में आ जाइए, तीनों बच्चे यही है। मलंग पहाड़ी? महर जी मैं अभी आ रहा हूँ। करण, सहर, सहर क्यों नहीं है?